दिल्ली का पुराना किला जिसका नाम शेरशाह सूरी और हुमायूं से जोड़ा जाता है। शेरशाह सूरी और हुमायूं ने पुराना किला बनवाया, लेकिन पुराने किले की कहानी इससे कई हजार साल पुरानी है। इसका असल इतिहास पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ से शुरू होता है, जिसको लेकर इतिहासकारों ने भी जिक्र किया है, ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। पुराना किले के टीले पर पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ बसी हुई थी, लेकिन इंद्रप्रस्थ का अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला। लेकिन अब एक उम्मीद जगी है, क्योंकि कुछ ही मीटर की खुदाई में मौर्य काल से लेकर कुषाण काल तक के साक्ष्य एएसआई को मिले हैं। अभी और भी गहराई में खुदाई होनी बाकी है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या अब इंद्रप्रस्थ दूर नहीं है? ये बातें हम क्यों कह रहे हैं, समझने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मौर्य काल मिल गया। कुषाण काल मिल गया। गुप्त काल मिल गया। राजपूत काल मिल गया। सल्तनत, मुगल सब मिल गए। बस 9 मीटर का फासला। चूंकि अभी हम लगभग जो है 5.5 मीटर की डेप्थ में खुदाई कर रहे हैं, और एक अनुमान के मुताबिक लगभग 14 मीटर का यहाँ पे डिपॉजिट है, तो अभी तो हमें करीब 8-9 मीटर और एक्सकेवेट करना है, तो इसके नीचे की जो सभ्यताएं होंगी क्रम से वो निकल के आएंगे। दूर नहीं इंद्रप्रस्थ। शेरशाह ने महाभारत के काल के जो है टीले को घेर के किला बनाया, तो एक एविडेंस हमारे पास साफ लिख रहा है कि ये कोई पुराना टीला है। दूसरा, जो हम टीले की स्टडी करते हैं उसमें हमें पता लगता है कि यहाँ पे कल्चरल डिपॉजिट था। पांडवों का पता मिलने वाला है। दिल्ली के पुराने किले में जैसे जैसे खुदाई हो रही है, वैसे वैसे महाभारत काल के करीब पहुंचने की एएसआई की उम्मीद भी बढ़ रही है। वो दिन दूर नहीं जब शेरशाह सूरी और हुमायूं के नाम से जाना जाने वाले पुराने किले की जमीन से महाभारत की कहानियां जिंदा होकर निकलेंगी। क्योंकि जो नए सबूत मिले हैं उससे एएसआई को नई उम्मीद जगी है। दिल्ली में स्थित पुराने किले में आप में से कई लोग आए होंगे, लेकिन आपने उस नजरिए से इस किले को नहीं देखा होगा जिस नजरिए से इसे एएसआई देख रहा है। और एएसआई के इसे अलग नजरिए से देखने का सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा सबूत है यहाँ पर मिलने वाले, वो सबूत जो आज से लगभग 2 से 3 हजार साल पुराने हैं, जो कि मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल से जुड़े हुए हैं। और उन्हीं सबूतों को लगातार खुदाई करके निकाला जा रहा है, उनको देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये जो दिल्ली का पुराना किला है उसके नीचे एक अलग ही शहर बसा हुआ था। एक अलग ही तरीके के सबूत आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एक गहरा कुआं मिला है जो मौर्य काल का है। इसके अलावा उसके ऊपर बना हुआ ये एक तरीके का हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है जो कि कुषाण काल का है, और उसके ऊपर और भी खुदाई चल रही है जो कि मौर्य काल से भी जुड़ी हुई है, जो कि गुप्त काल से जुड़ी हुई है। तो इस तरीके के तमाम सबूत मिल रहे हैं। 9 कल्चरल लेवल्स हम लोग यहाँ पर अभी तक एक्सपोज कर चुके हैं, जिसमें से प्री मौर्य काल यानी मौर्य काल से पहले का एक लेवल हमारे पास है, फिर मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल, फिर लेटर गुप्ता, फिर पोस्ट गुप्ता, उसके बाद राजपूत, सल्तनत और फिर मुगल काल के एविडेंस हमें यहाँ से मिले हैं। तो एक कंटिन्यूस जो है यहाँ पे हमें ऐतिहासिक शहरों के साक्ष्य मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पुराना किला ही दिल्ली में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ कोई भी व्यक्ति लगातार 2500 साल का इतिहास यहाँ पे देख सकता है। एएसआई के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मौर्य काल के पहले के भी निशान यहीं छिपे हैं। लगभग जो है 5.5 मीटर की डेप्थ में खुदाई कर रहे हैं, और एक अनुमान के मुताबिक लगभग 14 मीटर का यहाँ पे डिपॉजिट है, तो अभी तो हमें करीब 8-9 मीटर और एक्सकेवेट करना है, तो इसके नीचे की जो सभ्यताएं होंगी क्रम से वो निकल के आएंगी। तो एक तरह की से ये कह सकते हैं कि पांडवों की उस राजधानी को भी खोजने की कोशिश की जा रही है कि इंद्रप्रस्थ, उस वक्त का इंद्रप्रस्थ कैसा था।
देखिए, मैं इंद्रप्रस्थ या उस पांडव के काल की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन ये निश्चित रूप से हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अर्लीस्ट कल्चरल डिपॉजिट क्या था, सबसे पहले कौन सी सभ्यता आकर यहाँ बसी। इंद्रप्रस्थ पर ही दिल्ली बनी है, इस दावे के पीछे जो सबसे बड़ा तर्क है वो 300 एकड़ का ये इलाका है जो पुराने किले पर बना हुआ है। कहा जाता है कि जिस किले पर ये बना है उसके नीचे ही पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साक्ष मौजूद है। ऐसा नहीं है कि टीले पर शेर शाह सूरी ने ही किला बनवाया, ऐसा नहीं है कि इसके बाद हुमायूं ने ही इसे रिनोवेट किया। सवाल 3000 साल पहले का है। मौजूदा जो सबूत मिले हैं वो 3000 साल की गवाही दे रहे हैं, जिसमें मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, राजपूत काल तक के साक्ष्य मिल चुके हैं। पुराना किला ही क्यों चुना गया? और भी कई ऐसी जगह हैं, कई और भी ऐतिहासिक हमने देखी है, इमारतें हैं यहाँ पर, तो सिर्फ इसी को क्यों चुना? देखिए, जो साहित्यिक प्रमाण है, जो लिखा गया कि शेरशाह ने महाभारत के काल के जो है टीले को घेर के किला बनाया, तो एक इविडेंस हमारे पास साफ लिख रहा है कि ये कोई पुराना टीला है। दूसरा, जो हम टीले की स्टडी करते हैं उसमें हमें पता लगता है कि यहाँ पे कल्चरल डिपॉजिट था। टीले दो प्रकार के हो सकते हैं, नेचुरल टीला या फिर कल्चरल डिपॉजिट वाला, जहाँ मानव के प्रमाण हमको जो एक्टिविटी होंगी वो मिलेंगे। तो यहाँ चूंकि हमको सरफेस से मिल रहा है कि यहाँ पे कोई एक्टिविटीज थी, तो इसलिए यहाँ पे चुना गया। तो सभी जगह जरूरी नहीं है कि जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके नीचे कोई पुराना इतिहास दबा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एएसआई को क्यों लग रहा है कि पुराने किले के नीचे इंद्रप्रस्थ की संभावना बहुत ज्यादा है? उसके पीछे ये तर्क बहुत मजबूत है। एक तरीके से सैलाब आया था जो मिट्टी का, वो सबूत मिले, तो क्या वो कहें कि जो महाभारत के काल को जो खोजने की कोशिश की जा रही है, क्या उस वक्त पे एक सैलाब आया होगा, उसके ऊपर फिर मौर्य काल, फिर उसके ऊपर कुषाण काल, ये सब आकर बसे? जब एक काल खत्म हुआ, एक शहर या एक जगह के लोग खत्म हुए, उसके बाद उसके ऊपर आके नए लोग बसे? हाँ, निश्चित रूप से ये जो टीला, जो मल्टीकल्चरल साइट हम जिसको कहते हैं कि एक काल के लोग बसे, वो अबेंडेंड हुआ, थोड़े दिन बाद कोई दूसरा ग्रुप आया उसी जगह पे रहने लगा, वो 100-150 साल वो सभ्यता रही, फिर वो खत्म हुई, फिर कोई तीसरा ग्रुप आया, तो ये तो एक कालक्रम के हिसाब से जमा हुआ है। और जहां तक बाढ़ की बात है तो महाभारत में ये मेंशन है कि चक्षु के काल में जो है बहुत बड़ी बाढ़ एक आई थी, जिससे हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जो है वो उनके शहर नष्ट हो गए थे, और उसके बाद राजधानी जो है कौसाम्बी या प्रयागराज के नजदीक उन्होंने शिफ्ट की थी। तो अभी हम बाढ़ के प्रमाण हमारे पास जरूर हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उसके नीचे की सभ्यता क्या होगी। एएसआई को अभी 8-9 फीट की खुदाई करनी है, लेकिन एएसआई उत्साहित क्यों नजर आ रही है? उसकी वजह मौर्य काल का ये रिंग वेल है जो खुदाई में एएसआई को मिला है। ये जो आप रिंग वेल देख रहे हैं, ये एक रिंग वेल है जिसको हम मौर्य काल से इसको हमने डेट किया है, क्योंकि इसके साथ जो हमें चीजें मिली है उनको भी हम डेट कर पाए हैं। जो सीलिंग्स मिले हैं उन पे जो राइटिंग है उससे हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। दूसरा, इसके साथ जो पॉटरी हमें मिलती है वो डिफरेंट कल्चर के अलग अलग पॉटरी टाइप होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। प्लस रिंगवेल जो है, यदि हम देखें भारतीय, यदि हम परिप्रेक्ष्य की बात करें तो रिंगवेल जो है मौर्य काल से ही प्रारंभ होते हैं बनना। तो ये रिंगवेल चूंकि मौर्य काल का है, उसके साथ में एक फर्श बना हुआ है, एक ड्रेन जा रही है जो कि फ्रेश वाटर को, स्पिल ओवर वाटर को निकालने के लिए है। आपने बताया कि ये रिंग वेल है, तो ये यानी कि कुआं है जिससे पानी खींचा जाता था। ये जो रिंग्स है इनका क्या पर्पस रहता था, किस सोच से ये बनाए जाते? देखिये, ये टेराकोटा रिंग्स बनाए जाते थे जो कि एक के अंदर एक इनको पिरो दिया जाता था, जिससे कि एक वो वेल के रूप में अपने चारों तरफ का जो एनकेसिंग होता है, जिसे हम कहते हैं कुआं बांधना, आज के जमाने में कहते हैं कि कुआं बांधा जाता है। तो वो कुआं चूंकि अंदर की जो आसपास की मिट्टी है वो धसके उस कुएं में ना आए, उसके पानी को खराब ना करे, तो वो रिंग्स बनाए जाते थे जो कि एक प्रकार से फिल्टर का काम भी करते थे कि जो रेत वगैरह है वो बाहर है और केवल पानी उसमें उसको अंदर मिलेगा। नॉर्मली रिंगवेल दो प्रकार के होते थे, एक वेस्ट वाटर को यूज करने के, डिस्पोज करने के लिए, एक फ्रेश वाटर को ड्रॉ करने के लिए। ये जो है फ्रेश वाटर ड्रॉ करने के लिए है, क्योंकि इसके साथ पानी निकालने के हमें पुख्ता प्रमाण मिल रहे हैं और इसका डायमीटर बड़ा है, जिससे हम इसको कह रहे हैं कि ये फ्रेश वाटर निकालने का। इससे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर बीबी लाल द्वारा 1954-55 और 1969-73 में खुदाई कराई गई थी। इसके ठीक 41 साल बाद एएसआई ने 2013-14 और फिर 2017-18 में यहां खुदाई कराई। इन दोनों के बाद भी खुदाई में भी
नागपुर में हुई खुदाई से मिलते जुलते प्रमाण मिले थे। 2019 में यहां फिर से खुदाई की अनुमति दी गई थी, मगर समय पर काम शुरू न हो पाने से इसे बाद में निरस्त कर दिया गया था। लेकिन इस बार कई नई चीजें मिली हैं, जो सिर्फ मौर्य काल तक नहीं, कुषाण से लेकर गुप्त, गुप्तोत्तर काल से लेकर राजपूत काल तक के हैं। यहाँ पर हम कुषाण काल के बाद का जो लेबल है तो वो गुप्त काल का हमें यहाँ मिल रहा है, क्योंकि हमने एक ट्रेंच में इसको एक्सकेवेट किया था यहाँ पर। तो इसमें हमने देखा कि तीन, यदि हम बात करें तो कल्चरल लेबल यहाँ पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं। नीचे का आप देख रहे हैं वही प्रकार की ईंटें हैं, जो बड़ी ईंटें हैं वो कुषाण काल है, और उसके बाद देखिए आप 1.5 मीटर का डिपॉजिट है। फिर ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये गुप्त काल की दीवार है, क्योंकि ईंटों का साइज आप देख सकते हैं बदल गया है, ईंटों का पैटर्न बदल गया है, और काफी समय तक ये साइट कुषाण काल के बाद, शायद कुषाण काल के लोग यहाँ लंबे समय तक रहे हैं, तो कुषाण काल का जो डिपॉजिट हमें लगभग यहाँ 1.5 से 2 मीटर का मिलता है। मतलब जो पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो लोग आए उन्होंने अपनी नया कोई ईंटें नहीं बनाई, इस साइट पे जो ऑलरेडी अवेलेबल था उन्होंने कहीं मिट्टी खोदी, उन्हें ईंटें मिल गई, तो उन्हीं टुकड़ों को यूज करके उन्होंने अपना काम इस्तेमाल किया। लेकिन उनके जो कल्चरल डिपॉजिट अलग हमें मिलता है, उनके जो चीजें इस्तेमाल की हुई हैं वो हमें डिफरेंट टाइप से मिली हैं, तो उसको हम देखते हैं कि ये पोस्ट गुप्ता पीरियड का, क्योंकि गुप्तकाल से एक जब पतन का दौर है तो चीजों की क्वालिटी डाउन हो रही है। ये एक तरीके के वो पॉट्स हैं जो आप कह रहे थे कि जो वहां से मिले हैं, तो एक तरीके का जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, तो इनको भी अभी आप खुदाई करके इनका निकाला जाएगा? हाँ, देखिए इसमें क्या होता है, कुछ चीजें हम इंस्टीट्यूट रखते हैं ताकि स्टडी के पर्पज से इसका कॉन्टेक्स्ट है कि जैसे ये दीवार जा रही है ये घर के अंदर हमें चीजें मिल रही है। हमारे पास राजपूत काल के एविडेंसेज हैं, क्योंकि अभी यहाँ काम चल रहा है, तो आप जैसे हम देख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर का इस्तेमाल किया गया। हाँ, अब यहाँ यही परिवर्तन है कि ईंटों को छोड़ के राजपूत काल में, चूंकि अब डिफेंस का एक कॉन्सेप्ट ज्यादा तरीके से डेवलप हुआ, तो ये जो कमरा आप जो देख रहे हैं ये एक गार्ड सेल है। अच्छा। ये एक गार्ड सेल है, चौकीदार के लिए कमरा बनाया गया, और वो फोर्टिफिकेशन वॉल है जो कंटिन्यू अंदर जाएगी, जिसको एक्सक्यूट अभी नहीं किया है, और ये स्टोन का इस्तेमाल हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो गार्ड सेल है, सॉरी यहाँ से आपको आना पड़ेगा, जैसे ये जो ये कमरा है ये फोर्टिफिकेशन वॉल के साथ अटैच है, तो हम इसको गार्ड सेल के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। गार्ड सेल ओवरलुकिंग टू रिवर, रिवर साइड, किसी प्रकार के खतरे को भांपने के लिए एक चौकीदार यहाँ पे रखा गया होगा। और इस कमरे में आप देखेंगे यहाँ पे ये पत्थर की दीवार में यहाँ पे गैप आ रहा है जी। ये गैप है, इसी के सामने भी गैप है वहां पर, तो ये है कि यहाँ पे लकड़ी के पोस्ट लगा के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर जो बनाया होगा। पुराने किले का एक एक कोना 3000 साल की पुरानी सभ्यता की गवाही दे रहा है, लेकिन अभी भी इंद्रप्रस्थ यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा है। लेकिन जिस तरह से तमाम साक्ष्य मिल रहे हैं, एक एक सिरा महाभारत काल के नजदीक जुड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसा ही महाभारत जैसी दूसरी पुरानी सभ्यताओं को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। उसकी वजह कई और है। पुराने किले के बाहर ये शिलालेख है जो ये कह रहा है इंद्रप्रस्थ यही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।